বিশালগ্রস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস সহ চার কংগ্রেস কর্মীর সাথে শুক্রবার দেখা করতে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গেলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। তিনি বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে, পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, তাই রাষ্ট্রপতি শাসন ত্রিপুরা রাজ্যে অত্যন্ত জরুরি, এটা দিন দিন উপলব্ধি করা যাচ্ছে। তাই আগামী দিনে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য ময়দানে নামবে বলে জানান তিনি। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদিকা জারিতা লাইফরাং বলেন, কিছু সংখ্যক পুলিশ কর্মী বিজেপির হয়ে বিরোধীদের মুখে তালা এবং হাতে কড়া পড়াতে শুরু করেছে, কিন্তু এভাবে বেশি দিন চলবে না, খুব দ্রুত বিজেপিকে রাজ্য থেকে উৎখাত করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। मुझे दया आती है उनपे, दया भी नहीं मतलब इतनी दयनीय है उनकी स्थिति, इस पे मैं शोक जताती हूँ कि मानो बीजेपी अलादीन है और जो पुलिस प्रशासन है वो जिन है। जब भी चिराग को घसो तो पुलिस आकर हाजिर हो जाता है और बोलता है मेरे हुक्म कीजिए आका। तो इस स्थिति पे आप क्या बोल सकते हो, जबकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है और गवर्नमेंट की कठपुतली बनकर विपक्ष के मुंह पे ताला और हाथ में हथकड़ी लगा रही है। आपको जैसे कि पता है, हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को वहां पे घेरा गया, 6.5 घंटे अंधेरे में वहां पे लाइट भी काट दिया गया, वहां पे उन पे आक्रमण किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया, उन पे पत्थरबाजी की गई। ये पहली बार नहीं हुआ है विश्रामगंज, इससे पहले आशीष शाहजी और मेरे ऊपर भी वहां पे आक्रमण किया गया और इसी तरीके से उन्होंने गाड़ी वगैरह तोड़ा। तो मैं भाजपा सरकार से बोलना चाहती हूँ कि ये दिन ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, आने वाले दिन को देखते किस तरीके से होता है। और अगर बीजेपी सोचती है कि लोगों को डराकर धमकाकर वो पीछे हटा सकती है, तो मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी वालों, अपनी औकात में हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाए, और अगर हिम्मत है तो सीने पे वार करो।